हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल पेरिस वर्ल्ड एंड योर न्यू वीडियो। मेरा नाम है पुलकित गोयल और इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन पासपोर्ट के रिगार्डिंग। क्या इसके फ़ायदे हैं, कितना ये स्ट्रॉन्ग है, क्या इसकी रैंकिंग है, क्या आप बिना पासपोर्ट में के बिना भी आप किसी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो आउट ऑफ इंडिया। सो मैं आपको इस वीडियो में सारी डिटेल बताऊँगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है पेरिस वर्ल्ड, तो नीचे रेड कलर का बटन होगा उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करना इस बिल्कुल फ्री, दिल खोल के सब्सक्राइब करो। उसके बाद जो सा बेल आइकन आएगा उसके ऊपर ज़रूर क्लिक करना, ताकि आपको मेरी फ्यूचर की जो भी मैं अपनी ट्रैवलिंग वीडियोज़ और ट्रैवल इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ बनाता हूँ उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए एक रिक्वेस्ट के बाद मैं आपको इस टॉपिक पर लेके आता हूँ, इंडियन पासपोर्ट के रिगार्डिंग आपको फुल डिटेल में बताता हूँ। इंडियन पासपोर्ट की जो सी रैंकिंग है वो है 85th पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है जी। और इस पासपोर्ट के कारण आप 58 कंट्रीज़ को विज़िट कर सकते हो बिना वीज़ा लिए हुए पहले। या तो वो कंट्रीज़ आपको वीज़ा ऑन अराइवल इशू करती हैं, या उस कंट्री में वीज़ा की ज़रूरत है ही नहीं। बट उसके लिए जो सी रिक्वायरमेंट है, एक तो इंडियन पासपोर्ट है, ठीक है। उसके अलावा कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पर आप बिना पासपोर्ट के ट्रैवल कर सकते हो। सो इंडियन पासपोर्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जब आप किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो। मैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बिना पासपोर्ट के भी, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आपका पासपोर्ट नहीं बनवाया अगर आपने, तो आप बिना पासपोर्ट के भी ट्रैवल कर सकते हो। सो पहले मैं उसके रिगार्डिंग बता देता हूँ। जी हाँ, आप बिना पासपोर्ट के ट्रैवल कर सकते हो, बट वो सिर्फ दो कंट्रीज़ आपको अलाउ करती हैं एज अ इंडियन सिटीज़न, एज अ आप अगर आप इंडिया के नागरिक हो तो आप बिना पासपोर्ट के दो कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हो, वो है नेपाल और भूटान। बट दोनों कंट्रीज़ की अगर आपके पास अगर आपने विज़िट करना है और पासपोर्ट नहीं है, बट उनकी जो सी रिक्वायरमेंट है वो है वोटर आईडी कार्ड की, तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना बहुत ज़रूरी है अगर आपने इन दो कंट्रीज़ को विदाउट पासपोर्ट अपना विज़िट करना है। बट अगर आप विद पासपोर्ट इशू करते हो और ट्रैवल करते हो, तो वहाँ पर आपके पासपोर्ट्स पे स्टैम्प्स भी लगती हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग अगर आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी बनानी है ट्रैवल करते हुए। बट अगर आपने नॉर्मल ट्रैवल करना है, सो जस्ट अपना वोटर आईडी कार्ड को लेके भी आप बाय एयर और बाय लैंड नेपाल और भूटान एज अ इंडियन सिटीज़न आप जा सकते हो बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। और नेपाल में तो आप जितनी मर्ज़ी देर रह सकते हो, बट भूटान का जो सा है वो परमिट्स लेने पड़ते हैं। सो उसके रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका परमिट का प्रोसीजर आपको मेरे ऊपर वीडियो का लिंक आ रहा होगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो भी आप वीडियो देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, इन दो कंट्रीज़ के अलावा अगर आपने किसी और कंट्री में विज़िट करना है एज अ इंडियन पासपोर्ट होल्डर, सो आपके पास ये पासपोर्ट होना ज़रूरी है। और अगर आपने किसी कंट्री के वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो आपके जो सी मेन जो सी रिक्वायरमेंट होती है हर कंट्री की, कि आपके कंट्री की मिनिमम कोई कंट्री कहती है, मोस्टली जो सी कंट्रीज़ हैं वो 6 मंथ की वैलिडिटी होनी ज़रूरी है, और कुछ कंट्रीज़ 3 मंथ्स की वैलिडिटी भी लेके आपको वीज़ा इशू कर देती है विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट अगर आपने किसी कंट्री को विज़िट करना है। सो ये है जो सा अगर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है किसी कंट्री का, उसके लिए जो सी मेन रिक्वायरमेंट जो सी होती है ये होती है। अब जो सी मैं कह रहा था कि आपको कि आप इस पासपोर्ट के ऊपर एज अ इंडियन सिटीज़न, एज अ इंडियन पासपोर्ट होल्डर विदाउट वीज़ा भी ट्रैवल कर सकते हो काफ़ी कंट्रीज़ में, जिसका मेनली एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो वो है थाईलैंड, मॉरिशियस, मालदीव्स और फिजी, और ऐसी काफ़ी अफ्रीकन कंट्रीज़, तंजानिया हो गया जैसे, काफ़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप बिना वीज़ा लिए एडवांस में वीज़ा ऑन अराइवल लेके ट्रैवल कर सकते हो। और काफ़ी कंट्रीज़ इन 58 में से ऐसी हैं जहाँ आपको अगर वीज़ा ऑन अराइवल भी नहीं, जस्ट स्टैम्प्स लगती हैं, उसके लिए वीज़ा नोट रिक्वायर्ड है। लाइक सर्बिया में आपको वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है, बट स्टिल आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, प्रॉपर टूर प्लान होना चाहिए, और ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट होना चाहिए वाइल ट्रैवलिंग, इसके बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आपको मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब ये तो मैंने आपको थोड़े फ़ायदे बता दिए इस पासपोर्ट के, बट अगर आप एज अ इंडियन पासपोर्ट होल्डर इन कंट्रीज़ में भी ट्रैवल कर रहे हो या किसी और कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, तो वहाँ से आप
अगर आपने जैसे मेनली मैं आपको पहले इन कंट्रीज़ का बताता हूँ, अगर आप इन कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या आप इमिग्रेशन में आपको जो से क्वेश्चन पुट हो रहे हैं आपके पर्पस ऑफ विजिट के रिगार्डिंग, आप उनको प्रॉपर आंसर नहीं कर पाते, तो आप उस केस में डिपोर्ट भी हो सकते हो। चाहे आप ऐसी कंट्री में जा रहे हो जहाँ पर आपको ऑलरेडी वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है या वीज़ा ऑन अराइवल है, बट अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, आप अपना पर्पस ऑफ विज़िट क्लियर नहीं कर पा रहे, तो वहाँ से भी आप डिपोर्ट हो सकते हो, चाहे आपके पास ये भी हो। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि यहाँ भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर होने की वजह से ऐसा हुआ, काफ़ी और कंट्रीज़ के भी सिटीजन जो से हैं, ये नॉर्मल प्रोसीजर है जो सा वो इमिग्रेशन किसी को भी कुछ भी कर सकती है, वो हर कंट्री की डिफरेंट इमिग्रेशन पॉलिसी होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जो सा मेन प्रॉब्लम इस पे आती है इंडियन पासपोर्ट होल्डर होने के कारण, कि यहाँ सिर्फ आपको 58 कंट्रीज जो सी हैं उसके ऊपर ही उसमें ही जाने का मौका मिलता है इस पासपोर्ट के ऊपर, बिना वीज़ा के या वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड के कारण। ठीक है, बट उनमें से भी काफ़ी कंट्रीज, हाफ ऑफ द कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि काफ़ी दूर है इंडिया से, जहाँ पर आप नॉर्मली विजिट नहीं कर सकते, कि आपको वहाँ से ट्रांजिट करना पड़ेगा किसी ऐसी कंट्री में से जहाँ का आपको ट्रांजिट वीज़ा लेना ज़रूरी हो जाएगा, अदरवाइज़ आप वहाँ विजिट ही नहीं कर सकते, बाय चाहे आप जितना मर्जी जोर लगा लो। उनमें से काफ़ी कंट्रीज़ कैरेबियन की हैं या कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं कि जहाँ पर आपको वाया शेंगेन एरिया होके जाना पड़ेगा, या वाया यूएस होके जाना पड़ेगा, या वाया आपको ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड होके जाना पड़ेगा। सो उन कंट्रीज़ में भी थोड़ा विजिट करना मुश्किल हो जाता है, बेशक 58 कंट्रीज़ का नंबर है, बट वो भी हमारे लिए बच बुझ के अराउंड 30 के करीब ही आ जाता है, कि अगर मैं जो सी ये कंट्रीज़ हैं उनको माइनस कर लूँ। और मेनली जो सी अब दिक्कत आती है उसके अलावा वीज़ा अप्लाई करने में, वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको एज अ इंडियन पासपोर्ट होल्डर काफ़ी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग रूल। मेनली जो से डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके जॉब और वर्क के डॉक्यूमेंट्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, और वीज़ा फीस मेनली जो सी हैं, अलग अलग कंट्री की वीज़ा फीस अलग अलग होती है, कोई किसी कंट्री की 10,000 है, किसी कंट्री की 6,000 है, किसी की 8,000 है, किसी की 10 से भी ज़्यादा है। सो अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग होती है वीज़ा, और वीज़ा जो सी फीस है, एम्बेसी फीस है, वो आपको पे करनी पड़ती है। ठीक है, और यही जो सा मेन ड्रॉबैक है एज अ इंडियन पासपोर्ट होल्डर जो सा मुझे लगता है, कि जहाँ पर आपके काफ़ी पैसे, काफ़ी टाइम और काफ़ी टाइम सारा कुछ, आपको थोड़ा सा खजल खुआर होना पड़ता है उन कंट्रीज़ के वीज़ा लेने के लिए। ठीक है, इंटरव्यूज़ होते हैं काफ़ी कंट्रीज़ के, सो ये जो सा है ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है अगर हम कंपेयर करें काफ़ी और कंट्रीज़ के पासपोर्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि अपनी जो सी 85th रैंकिंग है, कुछ जो सी कंट्रीज़ की फर्स्ट रैंकिंग है, वहाँ तो आप अराउंड 150 प्लस कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर सकते हो विदाउट वीज़ा लिए हुए। ठीक है, आपको वीज़ा ऑन अराइवल इशू हो जाता है, वो सारी डेवलप्ड नेशन जो से हैं वो हैं पहले जो से हैं, और हमारी रैंकिंग जो सी काफ़ी कम हो गई। ये पहले थोड़ा ठीक था, पहले थोड़ी रैंकिंग ज़्यादा थी और कंट्रीज़ हमें वीज़ा इशू करती थी, ठीक है, 60 प्लस, बट टाइम टू टाइम ये रैंकिंग बढ़ने की जगह अपने इंडियन पासपोर्ट की दिनों दिन गिरती जा रही है, जो कि एक बैड थिंग है एज अ इंडियन पासपोर्ट होल्डर मेरे लिए, क्योंकि मुझे हर जगह का मेनली कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, वहाँ पर मैं प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट कराता हूँ, वीज़ा फ़ीस देता हूँ। और अगर मैं कंपेयर करूँ एक दूसरे बंदे के रिगार्डिंग जिसके पास किसी शेंगेन एरिया का पास शेंगेन कंट्री का पासपोर्ट है या यूएस और कनाडा का पासपोर्ट है, सो उसको काफ़ी ईजी होता है वीज़ा प्रोसेस। ठीक है, ना फीस पे करनी पड़ती है, ना कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, सीधा पासपोर्ट उठाया, टिकट करवाई और निकल गए। ठीक है, बट हमारे केस में ये चीज़ नहीं पॉसिबल, सो ये इसका मेनली ड्रॉबैक है, कि काफ़ी पैसे लग जाते हैं वीज़ा अप्लाई करने में, टाइम लग जाता है, डॉक्यूमेंट्स काफ़ी सबमिट करवाने पड़ते हैं, और जो सी मैंने आपको बता ही दिया कि जो सी पहले वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ हैं उनमें भी चोचले बहुत हैं ट्रैवल करने के लिए। कुछ कंट्रीज़ अब ऐसी हैं जो सी ई वीज़ा इशू करती हैं, ई वीज़ा बेसिकली ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ता है, वो आपको प्रिंट आउट मिल जाता है, जस्ट वो आपको ऑनलाइन ही वीज़ा इशू कर देते हैं, और आपने जस्ट ई वीज़ा अपना लेके उसको प्रिंट आउट लेके आपने ट्रैवल करना होता है। एग्जाम्पल लाइक रशिया अपने काफ़ी सिटीज़ का करता है
अब 1 जनवरी से तो पूरे रशिया का वो ई वीज़ा सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। दुबई, यूक्रेन, यूक्रेन ने अभी रिसेंटली ई वीज़ा स्टार्ट किया है इंडियंस के लिए भी। ये भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप ई वीज़ा अपना ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अजरबैजान, जहाँ पर आपने जस्ट फीस पे करनी है ऑनलाइन, तो आपका वीज़ा इशू करके वो आपको भेज देते हैं, जो कि थोड़ा सा इजी प्रोसेस है इन बाकी कंट्रीज़ के रिगार्डिंग। ये थी मेरी एक थोड़ी सी डिटेल में वीडियो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए, क्या अभी क्या फ़ायदे हैं, कौन सी कंट्रीज़ में आप विज़िट कर सकते हो विदाउट पासपोर्ट, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसकी भी, और क्यों जो सी वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ हैं वहाँ क्या सिस्टम रहता है, जहाँ पर आपने वीज़ा अप्लाई करना है उनका क्या खर्चा आता है, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं इंडियन पासपोर्ट होल्डर एज अ मैं कहूँ कि यहाँ भी तो। और अगर आपके पास यूएस, कनाडा, शेंगेन का वीज़ा है या जापान का वीज़ा है तो आप काफ़ी कंट्रीज़ का वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल वो फ्री वीज़ा ऑन अराइवल इशू करती हैं काफ़ी कंट्रीज़। अगर आपके पास ये वीज़ा, इन कंट्रीज़ के वीज़ा हैं अपने इंडियन पासपोर्ट के ऊपर, सो उसके कारण भी आपका जो सी पासपोर्ट है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपको वीज़ा लेने नहीं पड़ते अगर आपके पास इन 3-4 कंट्रीज़ के वीज़ा है तो। ठीक है, ये इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर ये सारी डिटेल जो सी मैंने आपको बताई, अगर ये चीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ताकि सबके साथ नॉलेज शेयर हो सके। कमेंट करके बताना अगर किसी और टॉपिक के ऊपर आपको ऐसी ही डिटेल वीडियो चाहिए, वो भी मैं बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।